क्या आप जानते हैं टैबू और झिझक के बीच कई सवाल हमारे समाज में सुलगते रहते हैं, उनमें से एक विषय है कोंडोम। रबड़ का ये टुकड़ा इंसान की प्राथमिकता में कैसे आया, आज के वीडियो में इसे जानेंगे। नमस्कार, वेलकम टू द मंच नंबर 5। मैं आदर्श वाराहमिहिर। सभ्यता का विकास और बदलने लगा इंसान के जीवन जीने का सलीका, और तब महसूस हुई सुरक्षित यौन संबंध की जरूरत, और इसी सवाल का जवाब ढूंढा ब्रिटिश सैनिक कर्नल कोंडोम ने। जी हाँ, एक अंग्रेज कर्नल जिनके नाम पर इसका नाम कोंडोम पड़ा। 1645 में भेड़ व बकरी की आंत से इसे पूर्ण रूप से विकसित किया। फिर आई केमिस्ट्री, चार्ल्स गुरियर, नाम तो सुना ही होगा। गुरियर साहब उन दिनों रबड़ को इलास्टिक बनाने पर काम कर रहे थे और उनका फार्मूला उन्हें 1860 में मिल गया। फिर क्या था, कंडोम कंपनी वालों ने इसे लपक लिया। लेकिन इलास्टिसिटी के बावजूद अभी भी सिंगल यूज कंडोम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन यौन संचारित रोग तो बढ़ी रहे थे। अब होना यह था कि रबड़ के कंडोम का इस्तेमाल शुरू हो गया और यूरोप और अमेरिका में कंपनियों ने लोगों को इसे धोकर दोबारा इस्तेमाल करने की नसीहत भी दे दी। दिन बीतते गए, टेम्स में पानी बहता रहा। अब आ गया 1920। हाँ, वही 1920, गांधी जी के असहयोग आंदोलन वाला। दुनिया में एक नई चीज की खोज हुई, लेटेक्स। एक ऐसा पदार्थ जो ज्यादा सॉफ्ट था, ज्यादा लचीला था और सस्ता भी था। फिर क्या था, मध्यम वर्ग जो हर चीज का लाभ उठाने को तत्पर रहता है अपने उपयोग में लेने लगा। इससे इसकी सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ी, निजी भी हुआ होगा, लेकिन मास प्रोडक्शन जरूर शुरू हो गया। फिर क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। सरकारों को लगा कि हथियार के साथ साथ कंडोम बांटना भी जरूरी है, सो बांट दिया। अभी सब बात हो ही रहा है तो आप सोचते होंगे भारत में कंडोम कैसे आया। देखिए, बात बहुत सिंपल सी है। भारत में अगर कोई प्रोग्राम हो और उसमें राजनीति न की जाए, भला ये कैसे हो सकता है। आइए समझते हैं। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में शुरू कर दिया गया। हाँ, ये भी पता है कि भारत पहला ऐसा देश था जो 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम को लेकर के आया पूरी दुनिया में। लेकिन जनसंख्या तो बढ़ती रही लगातार, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के लिए सीरियस कार्यक्रम 1960 में शुरू हुआ। सरकार ने इसके लिए सोचा कि मुफ्त कंडोम वितरण कार्यक्रम को शुरू किया जाए। 1950 में भारत की आबादी 37.6 करोड़ थी। अब इतना बड़ा देश, ऊपर से गरीब, तो जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम तो ही आना था। लेकिन 1963-64 में कंडोम वितरण का कार्यक्रम भी शुरू किया गया और सरकार चाहती थी कि भारत में इसका नाम पौराणिक काम के देवता कामदेव से मिलता जुलता नाम हो। भारी मत्था बच्ची हुई, फाइलों के हजार कार्यालयों में दौड़ाया गया, विभिन्न विभागों का खाक छाना गया और उसके बाद एक नाम तय किया गया, कामराज। कामराज? अब शेक्सपियर ने भले कहा हो नाम में क्या रखा है, परंतु यहाँ बवाल हो गया। हमारे यहाँ सरकारी हुक्मरानों ने देश की तात्कालिक राजनीतिक परिस्थिति की भयानक अनदेखी कर दी। कामराज के कामराज से मिलता जुलता नाम था। के कामराज एक ऐसा विराट व्यक्तित्व जो न केवल कांग्रेस के अध्यक्ष थे बल्कि उन दिनों भारतीय राजनीति में किंग मेकर थे। के कामराज जवाहरलाल नेहरू के बेहद करीबी थे और बाद में लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने में भी उनकी भूमिका थी। अब इतना बड़ा फेमस चेहरा और इतना विराट व्यक्तित्व जो तमिलनाडु का यह राजनेता था, उसके नाम पर कंडोम का नाम कैसे रखा जा सकता था। अब एंट्री होती है प्रीमियम संस्थान IIM की। वहाँ के एक छात्र ने इसका नाम निरोध सुझाया। निरोध मतलब रोकना। अब इस नाम को हरी झंडी मिल गई क्योंकि सरकार चाहती थी इस कार्यक्रम को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाया जाए। 1966 में केरल के तिरुवनंतपुरम में हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड की स्थापना भी कर दी गई। 1968 में कोरिया, जापान और अमेरिका से इसका आयात भी कर लिया गया। MIT के प्रोफेसर पीटर किंग को, IIM कोलकाता को और फोर्ड फाउंडेशन को इसके लिए नियुक्त भी कर दिया गया और इनकी मदद से इसे लोकप्रिय बनाने का काम भी शुरू हो गया। लेकिन कोंडोम को धीरे धीरे भारत में पॉपुलरिटी मिली। शुरुआत में ये काफ़ी महंगा था, जो 25 पैसे के आसपास था, जो उस समय के अमेरिका में कोंडोम की कीमत के बराबर था। बाद में भारत में इसको 5 पैसा कर दिया गया ताकि लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाया जा सके। अब देखिए, इस सब तामझाम का लाभ क्या हुआ। 1964 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2.4% थी। वहाँ से आज 2015-20 के जो भी आंकड़े उपलब्ध हैं उनमें 1.26% रह गई है। कोंडोम को इसका श्रेय तो दिया ही जाना चाहिए। कम से कम हम और आप दें या ना दें, लेकिन संयुक्त राष्ट्र तो ऐसा जरूर मानता है। साथ ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। महिलाएं गैर जरूरी मातृत्व को छोड़कर जीवन के अन्य पहलुओं पर फोकस करने को प्रेरित हुईं। मशहूर सिंगर और फैशन आइकन लेडी गागा ने कुछ सोचकर ही कहा होगा, यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैशन एसेसरी इज द कोंडोम। नमस्कार।